धन्यवाद शिवकुमार जी, आपको तथा विक्रम भाई, डॉक्टर मल साहब, कुलदीप जी और हमारे उदय भाई, सभी को नमस्कार। दरअसल ये जो प्रश्न है, लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसे इस ढंग से समझें कि जो सरकारें होती हैं, सत्ता उसी को मिलती है जिसकी सरकार बनती है। और सरकार कैसे बनती है? हमारे आपके वोट से एमएलए और सांसद चुने जाते हैं, और ये एमएलए और सांसद जो हैं, ये सरकार, किसी का माइक खुला है भाई, माइक बंद कर देंगे। तो क्या है कि बिना इसके सांसद या एमएलए के तो सरकार नहीं बन सकती ना। तो सांसद या विधायक जो है, आप समझ लीजिए कि ये वो तंत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा है जिसके जरिए सत्ता हासिल की जाती है चंद लोगों के द्वारा, और सत्ता का दोहन किया जाता है। वेदों में, हमारे पुराणों में एक आख्यान आता है, वेदों में नहीं है, कि कई बार कामधेनु को चुरा ले जाते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि यज्ञ का में जो घोड़ा रहता है उसे चुरा ले गए। राजा दिलीप के समय सुना, जहां से भागीरथी के जरिए गंगा आई, तो वहां पे भी चुरा ले गए थे। जिससे तो क्यों चुरा ले जाते हैं? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये एमएलए और सांसदों की भी आप देखते हो, जैसे चुनाव जीतते हैं, कोई ना कोई पार्टी लेकर सबको दौड़ती है, किसी होटल में ले जाके रुकाती है। तो इस तरह से समझें कि यही तो गाय है जिसके जरिए लोकतंत्र को दुहते हैं वो। और ये दुहता कौन है, ये भी मत समझिए कि मोदी जी या कोई अमित जी, इनके हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है। संपूर्ण सत्ता होती है पूंजीपतियों के हाथ में, और पूंजीपति जो है लोकतंत्र का अपहरण एमएलए, एमपी, सांसद के जरिए करते हैं। और हम सब क्या है, अगर महासमुंदर समझो तो हम सब जल के वो कण है जिसको हमको मथते हैं वोट के जरिए, और नवनीत यानी मक्खन ले उड़ते हैं। तो इसीलिए ये अपने जो यज्ञ की गाय हैं एमएलए और सांसद, इनको ये भरपूर चारा खिलाते हैं ताकि बढ़िया से दोहन करें, सत्ता इनके हाथ में रहे। ये देखा जाए तो अब कुल मिला के छद्म सामंतवाद ही आ गया है। आज राजा की तरह ही बिहेव करते हैं, और मंत्रियों की सवारी, मुख्यमंत्रियों की सवारी, प्रधानमंत्री की सवारी राजाओं की तरह निकलती है। कहने को लोकतंत्र है, कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर जो गुलामी है ना, वो गुलामी ने धीरे धीरे इनको राजा बना दिया है। मैं उनको उनको कम दोष देता हूँ, अपने आप को दोष देता हूँ। अगर दैनिक मजदूरी से कम वेतन पे पिछले 15 से 20 सालों से शिक्षा कर्मी अन्वेषक कार्य कर रहे हैं, और कोई प्रबल आंदोलन नहीं उठाया, इस अन्याय का विरोध नहीं किया, तो अन्याय सहने वाला भी ऐसे अन्याय का लगातार अगर सह रहा है तो भी कहीं ना कहीं भागीदार है, मेरा मानना है। भले आप विक्टिम हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल समझ में आता है, लगातार वो आपको मजदूरी भी ठीक से नहीं दे रहा है, और आप 15 15 20 20 साल से काम करते जा रहे हैं, यह तो गलत है। आपको अंत में जो हुआ सो हुआ, अब आपके सामने जैसे मल्ल जी ने कहा, 2 3 महीने बचे हुए हैं, और प्रजातंत्र में निगोशिएशन का समय यही होता है वोट का। आपके साथ एक चैनल है, आप बड़े भाग्यवान हैं, लगातार करीब 2 साल से इस मुद्दे को लेके लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कई बार कहा, हमारे साथ जितने किसान संगठन हैं वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी भी बीच बीच में टाइम देते हैं। अभी मल्ल जी ने तो बहुत सारी चीजों को खोल के रख दिया, और इसका कोई बिंदु नहीं बचा आपसे जुड़ा जिसे शिवकुमार जी न जानते हो या मैं न जानता हूं। तो मैं यही कहता हूं कि निर्णायक लड़ाई को तय तो आप ही को करना पड़ेगा, किस ढंग से आप करेंगे। वो अहिंसात्मक होनी चाहिए, वो गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, विजय तभी मिलेगी। हमारा सुनिश्चित रूप से मानना है कि गांधी के अलावा कोई रास्ता इस देश को नहीं बचा सकता। धन्यवाद।